आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब सवेरे आप बेड से उठते हैं, इन आसनों को, एक एक आसन को यदि आप 30-30 सेकंड प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आजीवन आपको लोअर बैक और मिडिल बैक और सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस कड़ी में पहला आसन कहलाता है योग बेतान आसन। इसमें आपने क्या करना है, पीठ के बल लेटे हुए हैं आप और पैरों के पंजे को बाहर की ओर तान लेंगे और दोनों हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, पूरे शरीर को तानेंगे और 30 सेकंड तक इसको मेंटेन करेंगे। उसके बाद दूसरा आसन आपने क्या करना है, आनंद बाल आसन। जैसे बच्चा आनंद में रहता है उस तरह से आपको करना है। आपने क्या करना है, पैरों के हील्स को पकड़ के बाहर की ओर स्ट्रेच करना है और ऊपर की ओर देखना है। इसको भी आपको 30 सेकंड मेंटेन करना है। उसके बाद तीसरा आसन आपने क्या करना है, योग में कहलाता है सेतु बंध आसन। आप इस तरह से पीठ के बल लेट गए और अपने बॉडी को ऊपर की ओर उठाया और हमारा जो चिन है वो हमारे चेस्ट को टच करेगा। इसको भी आप होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स। उसके बाद अगला आसन कहलाता है योग में शशांक आसन। इसमें आपने क्या करना है, हमारे दोनों पैर इस तरह से घुटने से मोड़ लेंगे, पैरों के अंगूठे आपस में मिले रहेंगे और लंबा गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर लाकर अपने माथे यानी अपने फोरहेड को ग्राउंड पे लगा देंगे और इसको भी 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। अगला आसन हम क्या करेंगे, योग में कहलाता है मार्जरी पोज। 30 सेकेंड हमने पहले क्या किया, सांस भरा, अपनी वेस्ट को इन किया, अपनी गर्दन को मोड़ा और 30 सेकेंड तक नॉर्मल सांस लेते हुए इसको मेंटेन करना है। फिर हमने सांस छोड़ा और फिर अपने कंधों को बाहर की ओर स्ट्रेच किया, अपनी गर्दन को मोड़ा और अपने पीठ वाले भाग को ऊपर की ओर स्ट्रेच किया। इसको भी आपको 30 सेकेंड मेंटेन करना है। इन सारे आसनास की सीरीज़ को जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जो समस्या मैंने बताई हैं आजीवन नहीं होंगी।